हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एरर कोड है 0x80073D0A विंडोज 11 और 10 में इसे कैसे फिक्स करें। तो बड़े इजी और आसान स्टेप्स में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की प्रॉब्लम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको सर्च करना होगा ट्रबल शूट सेटिंग्स। तो सर्च पे क्लिक करें, फिर सर्च करें, ये टाइप करें ट्रबल शूट सेटिंग्स और इसे ओपन कर लें। अदर ट्रबल शूट पे क्लिक करें, फिर लास्ट में होगा विंडोज स्टोर एप्स, इसके रन के ऊपर क्लिक करें और वेट करें ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप क्लोज कर दें और फिर सर्च करें WS रीसेट। और WS रीसेट की मदद से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रीसेट करें। मेरे अंदर है नहीं WS रीसेट तो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए सेकेंड मेथड है। तो आप फर्स्ट मेथड ट्राई करें, अगर आपके पास WS रीसेट नहीं है तो आप सेकेंड मेथड ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप सिंपली सर्च करके उसकी मदद से आप रीसेट करें अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को, और रीसेट करने के बाद आप उसमें से ओपन कर लें WS रीसेट की मदद से, वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करें और उसे रीसेट कर लें। और आफ्टर रीसेट आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और अगर आपके पास WS रीसेट नहीं है तो आप ये मेथड ट्राई करें, सर्च करें सेटिंग्स और सेटिंग्स को ओपन कर लें, एप्स पे क्लिक करें, फिर इंस्टॉल एप्स पे क्लिक करें, फिर आप इधर सर्च करें स्टोर, सिंपली स्टोर सर्च कर लें, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर स्टोर इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, फिर एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करें, फिर स्क्रॉल डाउन करें, आपको इधर रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करें और अगेन रीसेट, और इसे रीसेट होने दें। तो देख सकते हैं आप बहुत जल्दी रीसेट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये रीसेट हो चुका है। फिर क्लोज कर दें और पहले ट्राई करें, अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाए तो ठीक है, अगर फिक्स ना हो तो आप रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एरर कोड है 0x80073D0A विंडोज 11 और 10 में। तो थैंक्स, वीडियो को देख ले प्लीज, कमेंट कर वीडियो पे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही यूजफुल वीडियोस पाने के लिए।